सितम गर ये गुर्बत क्या करें। होश में रहकर बात करें आप। होश में आने की जरूरत तो उन पेरेंट्स को जिनकी बेटी पढ़ने के बहाने जाने कहां कहां से होती हुई घर वापस आती है। तो तमीज से बात करो उससे। मैं तमीज से बात करूं क्या बीच में बोली है? इसको लगाम दो, जिसके पैरों तले जमीन खींचने में मैं 2 सेकंड नहीं लगाऊंगी। तो खींचे ना, फौरन खींचे, मैं भी तो देखूं आप पैरों के नीचे से जमीन खींचती कैसे हैं। किसी भी जगह पे अप्लाई करने से पहले ना उनकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। शायद क्या सोच के अप्लाई किया था आपने कि यहाँ जॉब खैरात में बट रही है और आपकी मस्कीन शक्ल देख के आपको जॉब मिल जाएगी। बहुत ज्यादती कर रहे हैं लोग पौरुषना के साथ। मम्मा ने उष्णा को मुझसे दूर करने के लिए जल्द से जल्द उसकी शादी प्लान कर ली, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मम्मा को उष्णा को कबूल करना ही होगा मेरे लिए, अपने बेटे की खुशी के लिए। वैसे आंटी जरूरत से कहीं ज्यादा समझदार निकली। जो नापसंदीदगी फील करते ही इन्हें ख्याल आ गया कि बेटे की शादी करके खुद साइड हो जाए। अच्छा फैसला किया इन्होंने, वरना इससे ज्यादा मैं इन्हें अपनी जिंदगी मुतासिर करने का हक नहीं दे सकती थी। सर पर सवार रह के बहुत सा खून खुश किए रखा था इन्होंने मेरा, लेकिन शुक्र है इन्हें एक ही बारी में अकल आ गई। एक बार शादी हो जाए फिर कौन माँ कैसी माँ सब भुला दूंगी। अभी तो फिलहाल इस खुशी को सेलिब्रेट करने का बेहतरीन तरीका यही है कि मैं अपनी शॉपिंग एंजॉय करूं। ये इस वक्त किसको याद आ गई है मेरी? अल्लाह, क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? वो आप दोनों से एक जरूरी बात करनी थी। हाँ आओ अंदर आओ। बैठो। कुछ कुछ अंदाजा तो है मुझे कि शायद तुम क्या कहने आए हो, लेकिन काश कि तुम वो बात ना करो। उष्णा के बारे में तो कोई बात नहीं है ना? बात तो उष्णा की है। क्यों है? तुमने अपने कानों से उस लड़की की असलियत को सुन लिया है ना, अब कहने सुनने के लिए बचा क्या है? मैं सच जान के भी खुद में कोई तब्दीली महसूस नहीं कर पा रहा। उष्णा आज भी मेरे लिए वही है जो कल थी। असल बात तो यह है कि उसने फुप्पो की गोद में परवरिश पाई है। वो किस खानदान से, उसके माँ बाप कौन थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। उसके खानदान से भी, उसके माँ बाप से भी, उसके हसब नसब से भी। किसी राह चलती लड़की को मैं अपनी बहू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। तुम ये बात करने आ भी कैसे गए? मैं उष्णा को नहीं छोड़ सकता। मेरे बस में ही नहीं।
मेरी आप दोनों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज उष्णा को बुरा भला कहना छोड़ दें। बस आप लोग ये सोचें कि उसकी तरबियत तो पप्पो ने की है ना। उसकी तरबियत किसी ने भी की हो, उसकी रगों में खून तो उन्हीं भगोड़े माँ बाप का है ना। तुम्हारे लिए बेहतर यही है बेटा कि तुम उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वरना मैं जैनब का लिहाज किए बगैर उस लड़की का हाथ पकड़ के इस घर से निकाल दूंगी जो मेरे घर में अजाब बन गई है। लेकिन मामा, इसमें उष्णा की क्या गलती है? वही तो फसाद की जड़ है। उसी की मीठी मीठी बातों में आकर आज तुम अपने माँ बाप के सामने खड़े उसकी वकालत कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि हमें उसके तस्वुर से भी नफरत है। आप लोग प्लीज एक बार बदगुमानी की पट्टी उतार कर उसको मेरे नजरिए से तो देखें। बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा उस लड़की के बारे में मैं कुछ सुनना भी नहीं चाहता। वो किस खानदान से ताल्लुक रखती है, कहां रहती है, क्या करती है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। और ना ही इस बात से सरोकार है कि जैनब जो है उसने उसकी तरबियत की है। वो लड़की इस घर में सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि मेरी बेवा बहन इस घर में मौजूद है। अगर तुमने उसकी जिद ना छोड़ी ना, मैं उसका हाथ पकड़ के बाहर खड़ा कर दूंगा उसे। तुम्हें हर हाल में उस लड़की से दस्तबरदार होना ही पड़ेगा। तो फिर मेरा भी एक फैसला सुनना है। शादी तो मैं उसी से करूंगा, आप लोग माने तब भी और ना माने तब भी। तुम होश में? तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम किसके सामने क्या बात कर रहे हो? अपने पूरे होशो आवास में हूं। तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारे फैसले की हैसियत क्या है मेरे सामने? रफाकत, आराम से, हमारी अपनी औलाद है। कौन सी औलाद? सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुई थी ये। अब बड़े होके अगर गंद में मुंह मारेगी तो मैं ऐसे गंद में तो मुंह नहीं मारने दूंगा ना। एक रुपया नहीं कमाया इसने कभी, अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहा है और फैसले कर रहा है अपने बाप के सामने खड़े होके। एक लम्हे को अगर मैं मान भी लूं कि ठीक है तुम उससे शादी कर लो, तो क्या करोगे? कहां रखोगे उसे? क्या खिलाओगे? क्या पहनाओगे? सोचा है कभी? क्योंकि तुम्हारे इस फैसले के बाद इस घर में तुम्हें रहने नहीं दूंगा। यहां से निकाल रहा हूं मैं तुम्हें। ये क्या कह रहे हैं आप? निकल जा, मैं कह रहा हूं मेरे घर से बाहर। जो फसाद की जड़ है उसे घर से निकालने के बजाय आप मेरे बेटे को घर से निकाल रहे हैं, ये कहां का इंसाफ है? क्योंकि खोट हमारे ही खून में है जो अपने माँ बाप के फैसले के सामने खड़ा हुआ है। दो दिन घर से बाहर रहेगा ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे, उतर जाएगा सर से इश्क का भूत इसके। जो उतर जाए वो इश्क की क्या? कि पागल हो गए हो क्या? अभी अपने बाप के पांव पड़ के माफी मांगो और इकरार करो कि आइंदा ऐसा उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलोगे। आप लोग मेरी जबान से उष्णा के अलावा कभी किसी और का नाम नहीं सुनेंगे। निकल जाए इस घर से बाहर, निकलो यहां से। मेरा पागल ये क्या कर? हट जाओ, दबाओ यहां से, निकलो। मेरा बच्चा रहूंगा। बदतमीज, रोके उसे, क्या कर रहे हैं आप? सुफियान बेटा, अल्लाह खैर करे, ये क्या है? देखें, सुफियान, सुफियान, क्या चाहते हो इसको? एक मिनट सुफियान, क्या हो गया? इसको कहाँ जा रहे हो? जाने दो मुझे। बात क्या हुई बता दो सही मुझे पहले। जाने दो ऐसा शिजात। ऐसे नाखल्फ औलाद की इस घर में कोई जगह नहीं है। जवान औलाद है, खड़े लगे हैं बात करें इससे आप। जवान औलाद का मतलब ये नहीं है कि सर पे बिठा लूं। अगर बाप के समझाने का भी असर नहीं है तो निकलने दो इसे, खाने दो ठोकरें।
लग जाएगा इसको पता जब दो दिन बाहर रहेगा सड़कों पे। तो रखो इसे, रखो इसे। जिस गाड़ी में तुम फर्राटे भरते घूमते हो ना, ये तुम्हारे बाप के पैसों की है, तुम्हारी नहीं है। रखो इसे और निकलो बाहर। तुम रुक जाओ, तुम जो कहोगे मैं मानूंगी बेटा। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते रफाकत। और अगर किसी को तकलीफ है इसके जाने से तो साथ चला जाए इसके, इस घर में पलट के कदम भी ना रखे। सदफ, जाके पानी लेके आओ जल्दी से। जी। अरे जहर ना दो मुझे कोई। ये आधी रात को तुम्हारे भाई ने क्या तमाशा लगाया हुआ है? मुझे क्या पता, मैं तो खुद मामा की आवाज सुन के कमरे से बाहर निकली। इतना सीरियस मैटर लग रहा है, मैंने आज से पहले ताईचंद को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। बताओ ना, तो पता है क्या हुआ है? बताओ तो तुम्हें बता देती ना। मुझे ऐसा लग रहा है इस सब के पीछे तुम्हारे भाई का उष्णा से इश्क है। अगर इसकी वजह वो उष्णा मैटर है ना, तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। मेरा बच्चा इतनी रात को पता नहीं कहाँ दर दर की ठोकरे खाएगा। अम्मी पानी। भाभी आप परेशान ना हो, भाई अभी फोन करेंगे ना तो सुफियान घर आ जाएगा। तू? मामा। ज़रब। ज़रब बेटा संभालो खुद को। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, दफा हो जा। डायन कहाँ गई मेरे बच्चे को? तुझे मेरा ही घर मिला था, बर्बाद करने के लिए मेरा कलेजा नोच लिया तूने। मैं तुझे छोडूंगी नहीं। भाभी छोड़ो मुझे। क्या कर रही हैं आप? इस डायन ने मेरे बेटे को अपने बाप से लड़वा दिया और तुम मुझसे कहती हो किसने किया क्या? मैं भाभी भाभी नहीं भाभी कुछ जान से मार दूंगी इसे। नहीं होगा मुझे तुम। भाभी मैं कह रहा हूँ प्लीज रुक जाए। कमरे में जाओ उष्णा, जाओ। लेकिन मामा कांच लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जाओ। क्यों? इस डायन की वजह से मेरा बच्चा घर छोड़ के चला गया। उसने जिद बांध ली कि शादी करेगा तो वो इस नागर से करेगा, वरना वो किसी से शादी नहीं करेगा। अपने बाप से डांट ली उसने अपने बाप से जिद लगा ली और बाप ने भी कह दिया घर छोड़ के चले जाओ, या तो लड़की छोड़ दो या घर छोड़ दो। और मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया। भाभी आपको खुदा का वास्ता प्लीज चुप हो जाए। मैं जान से मार दूंगी इसको। भाभी रुक जाए, तो भाभी को कमरे में लेके जाओ। मैं कह रही हूँ ना जाओ। सुनो जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कहने दे मुमानी जान को वो जो भी कहना चाहते, जिसे कहते कहते हमेशा उनकी जुबान रुक जाती है। मुझे या मेरी मामा को इल्जाम देने से पहले एक बार जाए और जाकर अपने बेटे से पूछे क्या कभी भी मैंने उसे हाँ की। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि आपकी नफरत को जानते हुए भी आपके बेटे की हौसला अफजाई करूँ। अगर तूने हौसला अफजाई नहीं की तो मेरा बेटा घर छोड़ के कैसे चला गया? बेहतर होगा ये बातें जाकर अपने बेटे से पूछे, मुझे या मेरी माँ को इल्जाम मत दे। अरे तुम जैसी हमारा औरतों को घर में जगह देकर ही हमसे सबसे बड़ी भूल हो गई। हमारे घर की बुनियादें हिला दी तुम दोनों ने। ये तेरे गंदे खून का असर है, तेरे गंदे खून का असर है ये। भाभी बस करें। मेरे खून या मेरे बाबा को गाली देने की जरूरत नहीं है आपको। चल बाबा। भाभी भाभी इससे आगे एक लफ्ज़ भी मत कहिए। भाई बना करे ऐसा एक लफ्ज़ और नहीं। क्यों रुकूं मैं, क्यों रुकूं? आज तो मैं सब कुछ कह के रहूंगी। भाभी प्लीज ना, तुम एक लफ्ज़ नहीं बोलोगी अब। चलो चलो।
तुमने क्यों रोक दिया सुजात? कहने देते ना, मुझे बोलने देते। आज मैं सारा सच बोल के रहूंगी। प्लीज मेरी बात बिना से सुनो। अभी सुफियान को फोन करता हूँ, उससे ट्रेस करता हूँ, उससे बात करता हूँ, घर आ जाएगा। प्लीज परेशान ना हो, हलकान ना हो आप। उससे बात करो मेरा बच्चा, कहीं गुस्से में उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे जो चाहता से। भाभी मैं कह रहा हूँ मेरी बात पे यकीन करे ना, आ जाएगा वो। सरफ भाभी को लेके जाओ कमरे। चले भाभी अंदर, अंदर जाए भाभी, अंदर जाए। बस बस ठीक है, हो गया। अच्छे से बांधने दे, खून नहीं रुक रहा। तुमसे सुफियान ने ऐसी कोई बात की थी? जी। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आपसे कहने का मौका ही नहीं मिला। अभी कल ही वो यूनिवर्सिटी आए थे ये कहने के लिए, और मैंने साफ लफ्जों में उन्हें इनकार कर दिया था। अगर तुमने साफ लफ्जों में इनकार कर दिया था तो फिर उसने इतना इंतहाई कदम क्यों उठाया? आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? आप मुझ पर शक कर रही हैं? अरे नहीं, मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूं। मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि सुफियान ने अकेले ही इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया तुम्हारी और मेरी राय जाने बगैर। उसने भाभी और भाई से इतना बड़ा बैर कैसे ले लिया? इसमें इतनी हैरानगी की क्या बात है? मुमानी जान का बेटा है। मुमानी जान कब किसी की मर्जी का, किसी की राय का एहतराम करती हैं? उन्हें तो बस अपनी हुकूमत चाहिए होती है। सुफियान भी तो उन्हीं का बेटा है। मेरे इनकार करने के बावजूद मुझे यहाँ सबके सामने तमाशा बनाकर चला गया, ताकि मैं यहाँ सबकी नफ़रतें सहूँ और सवालों के जवाब देती रहूँ। और फिर देखें ना, उनके घर छोड़ कर जाने का इतना असर तो हो ही गया। मेरी अपनी मामा भी मुझे शक की निगाहों से देख रही हैं। ऐसी बात नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। एक कुदरती सवाल है जहन में आया तो मैंने पूछ लिया। ये सवाल भी तो जहन में आ ही गया ना, तुम परेशान मत हो। मैं जब सबसे बात कहूंगी तो सब पर वाजे हो जाएगा कि सुफियान का ये कदम उसका जाती अमल है और तुम्हारा उसकी तरफ कोई रुझान नहीं है। आप कहेंगे तो वो लोग यकीन कर लेंगे। अंधेर नगरी चौपट राज में भी पसंदीदा लोगों की सुनवाई होती है, हम जैसे नापसंदीदा लोगों की नहीं। जिस तरह सच जाने बिना ही मुझे मुजरिम बनाकर कठेरे में खड़ा कर दिया गया, उसके बाद तो मुझे इंसाफ की किसी से कोई उम्मीद ही नहीं है। आराम करें आप। क्या कर रही हैं? लेटे। उस लड़की की भी तो खबर ले ना, जिसने मेरे सुफियान को भड़काया। बिलफर्ज मैं ये मान भी लूं कि उसने उसे भड़काया, तब भी कसूर किसका है? तुम्हारे सुफियान का, कि उस लड़की के बहकावे में आके अपने माँ बाप से उलझ रहा है। मुझे यहाँ सबकी नजरों में मुजरिम बना दिया। भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा।
बेटे के गम में रो रो के मेरी आंखें सूज गईं, और आप उसे घर से निकाल के इतने मजे से सुकून से नाश्ता कर रहे हैं। तुम भी कर लो, किसने रोका है तुम्हें? हाँ, आपको अपने बेटे की कोई परवाह है कि नहीं? ऐसे बेटे की मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है जो अपना फैसला मुझ पर मुसल्लत करना चाहता है। अपने बेटे को तो आपने इस घर से निकलने का हुक्म दे दिया, उस लड़की की भी तो खबर ले ना जिसने मेरे सुफियान को भड़काया है। बिलफर्ज मैं ये मान भी लूं कि उसने उसे भड़काया, तब भी कसूर किसका है? तुम्हारे सुफियान का, कि उस लड़की के बहकावे में आके अपने माँ-बाप से उलझ रहा है। अरे आप नहीं जानते इन लड़कियों की चलतरबाजियों को, और उष्णा आजकल की लड़कियों से चार हाथ आगे है। मैं आपको बता रही हूँ रफाकत, इस लड़के को इस घर से निकाल दे वरना मैं सारी हकीकत खोल के ना खुद निकाल दूंगी। खबरदारी ये करने की कोशिश भी मत करना। याद नहीं है अहद किया था हमने ज़ैनब से कि उसकी बेटी को ये कभी पता नहीं चलने देंगे कि वो उसकी औलाद नहीं है? अरे भाड़ में गया ऐसा अहद, जब मेरा बेटा इस घर से चला गया तो मैं क्यों निभाऊं इस अहद को? अपने बेटे की मोहब्बत में मेरा नुकसान मत कर बैठना, हमारी कामयाबी की बस यही एक कुंजी है। जैनब को इस घर में और इस जायदाद में हिस्सा मांगने से रोकने के लिए फिर हमारे पास कोई चाल नहीं बचेगी। मैं कुछ नहीं जानती रफाकत, मुझसे ये लड़की अब इस घर में बर्दाश्त नहीं होती। तो मैंने कब कहा बर्दाश्त करो, बुलाओ परवीन को, अच्छा सा रिश्ता रहा है, करो शादी, निकालो इस घर से। कम अज कम इसकी शादी के बाद तुम्हारे बेटे का जोश भी ठंडा ही हो जाएगा। और तब तक मेरा बेटा घर से दूर रहेगा? हाँ मेरा ख्याल है उसे घर से बाहर ही रहने दो, दो चार दिन इधर उधर टक्करे मारेगा, आ जाएगा वापस। वो नहीं आएगा रफाकत, जानते तो हैं आप अपने बेटे को कितना जिद्दी है वो। हाँ लेकिन वो नहीं जानता अभी कि उसका बाप कितना जिद्दी है। मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ होगा, उसने नाश्ता किया होगा कि नहीं। ये मनोज मार गया तो घर में आ गई और मेरा बच्चा घर छोड़ के चला गया। मॉर्निंग बड़ी। मॉर्निंग। अच्छा भाई चाय पी लो। तुम सो रहे थे तो मैंने नाश्ता नहीं बनाया, ख्याल था पहले चाय पियेंगे फिर नाश्ता कर लेंगे। थैंक्स यार, चाय काफी है। थैंक्स। तू जानता भी है कि दोस्तों को थैंक्स कहना सबसे बड़ी गाली है मेरी डिक्शनरी में। ना, लेकिन तूने अपने घर में रहने के लिए जगह दी, उसके लिए थैंक्स तो बनता। नहीं यार थैंक्स ही क्या बात है, अकेला रहता हूँ घर में, कभी कभार मॉम एंड डैड लाहौर से आते हैं तो रौनक हो जाती है थोड़ी घर में, अब तुम आ गए तो अच्छा वक्त गुजरेगा। बुरे वक्त में तुम काम आए हो, रियली यही बहुत है। फिर वही घर वाली बात है, तुम्हारा अपना घर है यार, जब तक रहना है रह, कौन सा किराया मांग रहा हूँ तेरे से मैं। ये तो तेरा बड़ापन है, लेकिन मैं तुझे इतना तंग नहीं करूँगा, जल्दी कोई और ठिकाना ढूंढ लूँगा। तुम नाराज करने वाली बात कर रहे हो। नाराजगी कैसी यार, अपने बलबूते पे भी तो कुछ करूँ ना। जब तक दूसरों के सहारे पड़ा रहूंगा किसी और को क्या सहारा दूंगा। ओह गहरी बात, पर कहना इतनी गहरी बातें खाली पेट जहन में जाती नहीं है। पहले दोनों भाई नाश्ता करते हैं फिर बैठ के अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तुम ये बताओ नाश्ते में क्या लोगे? नहीं यार इट्स ओके, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अब इतना बुरा कुक भी नहीं हूं मैं, पर तूने तो बताना नहीं है मुझे आज, इसलिए तुझे अपनी पसंद का नाश्ता कराऊंगा। ठीक है। अच्छा अमर हुकम यार, तुम्हारे बैंक में कोई वैकेंसी हो तो बताना। तुम इंटरेस्टेड हो? हाँ। तुम एक काम करो, मुझे अपनी सीवी फॉरवर्ड कर दो, मैं अपने सर्कल में वायरल कर देता हूँ, कोई ना कोई वैकेंसी निकल आएगी। गुड, अगर ऐसा हो जाए तो यार तुम्हारा एक और एहसान होगा मुझे। फिर वही एहसान? अच्छा नहीं कहता। ये हुई ना बात, मैं जल्दी से नाश्ता बनाता हूँ, तुम फ्रेश होके आ जाओ। ओके
आज किसी काबिल नहीं हूं, तभी तो मेरी पसंद अपनों की ठोकर पर है। जब अपनी इज्जत नहीं करवा सकता तो किसी को क्या खाक इज्जत दिलवा सकूंगा। मैं इतनी कॉल्स कर चुकी हूँ सुफियान को, लेकिन मजाल है जो उसने मेरा फोन आंसर किया हो। भाभी अभी गुस्से में है ना, थोड़ा ठंडा होगा तो खुद कॉल करेगा आपको। रफाकत बिना इस मामले को अहमियत नहीं दे रही, उन्हें लगता है सुफियान अपने घुटने टेके वापस आ जाएगा, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, पता नहीं किस हाल में होगा। अरे भाभी अपने दोस्तों वोस्तों में ही होगा कहीं, अभी हुज़ैफ़ा उठेगा ना, मैं उसको भेजती हूँ, वो देख कर आए कहाँ है। और भाई साहब की आप बात कर रही हैं, वो बेचारे बस गुस्से में हैं इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, वो भी थोड़े ठंडे होंगे तो खुद ही ले आएंगे सुफियान को, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। जब तक ये डायन हमारे घर में है ना, कुछ ठीक नहीं होगा। देख लो महारानी को, मेरे बेटे को बेघर करके बैग डाल दे, पता नहीं यूनिवर्सिटी के बहाने किसको फंसाने जा रही है। हाँ चली जाओ, दफा हो जाओ, जाओ, हाँ जाओ, जान छोड़ दो हमारी, अपनी मनुष्य शक्ल आइंदा ना दिखाना, जाओ तुम। अरे भाभी किसकी बात कर रही हैं? वो और लोग थे पुराने जमाने के जो गैरत के पीछे जान दे दिया करते थे अपनी। भाभी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे मिन्नत करती हूँ, उस मासूम को उसके हाल पर छोड़ दे, उसका कोई कसूर नहीं है। मैंने बात की है उससे, सुफियान जो भी करता है ना उसमें इसका कोई कसूर नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है। उष्णा ने सुफियान की कभी हौसला अफजाई नहीं की, अरे कजन से आपस में बहन भाइयों की तरह होते हैं। अच्छा तो तुम ये कहना चाह रही हो कि उष्णा सुफियान को भाई समझती है, मगर सुफियान ने उष्णा को अपना दिल दे दिया। आप बातें कर रही, पागल समझते हैं ये लोग हमें। अगर तुम्हारी बेटी बेहयाई की चिंगारी ना भड़काती तो मेरा बेटा इस तरह से आग ना लगाता मेरी तरबियत को। वो ऐसी नहीं है भाभी। कैसी नहीं है? तुम ये कहानियां ना जाके किसी और को सुनाना जो तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की असलियत को ना जानता हो। कसम से अगर मुझे रफाकत का डर ना होता ना तो मैं बताती इन सबको। रिलैक्स करे भाभी, बस कर। जिंदगी अजाब करके रखती है, मेरा बच्चा बेघर हो गया। बस 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 भाभी परेशान नहीं। तारीख तो अगले महीने की तय हो गई भाई साहब, बस अब मिठाई खिला दें। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात, रशीदा मिठाई लाइए भाई, मुंह मीठा कराएं। अरे वाह अम्मी, अगले महीने, दैट्स टू अर्ली। आपने क्या करना है बेटे, आपने तो बस दूल्हा बन के बैठना है, बाकी सब तो मैं और वहां आप देख लेंगे। बेटा अभी तो अपनी बात करें ना जिसके लिए आप इतनी एक्साइटेड थी। जी आंटी, अब दो दिन बाद शहरोज की बर्थडे है तो मैंने एक बर्थडे पार्टी अरेंज की है, मैं चाहती हूँ आप सब लोग आए। सुनी इसकी क्या जरूरत है? आपका आना तो सबसे जरूरी है, आप नहीं आएंगे तो केक कौन काटेगा? क्यों जरूरी नहीं है बेटे, जनैशा ने इतनी एक्साइटमेंट के साथ सारी तैयारी की है, हम जरूर आएंगे बेटे। थैंक यू आंटी। अंकल आप भी आइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बेटा मेरी तो दो मीटिंग्स हैं उस दिन, मगर मैं कोशिश करूंगा। कर अंकल कोशिश करिएगा प्लीज। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट बेटा। अच्छा वो मैं रशीदा को देखकर आया, सूप के लिए कहा था आपके लिए। बेटे मुझे कोई जल्दी नहीं है सूप की, हम आपकी शादी की बातें कर रहे हैं, जस्ट कीप सिटिंग। बातों का क्या है, मैं वो तो होती रहेंगी, बातें कहाँ भागी जा रही है।
क्या बदतमीजी है? तुम्हारे साथ ना इससे भी बुरा सलूक होना चाहिए। ऐसा क्या घोल के पिलाया मेरे भाई को जो तुम्हारे कहने पे घर छोड़कर चला गया? ये सवाल मुझसे नहीं, अपने भाई से जाकर पूछो। मेरे भाई को कुछ होना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वाह भाई, कॉलेज के लड़कों को फंसाते फंसाते घर के लड़कों को फंसाना शुरू कर दिया। बकवास बंद रखो तुम। तुम्हारी शय पे वो इतना आगे बढ़ा है बाबा के सामने। ख्वाब देख रही हूँ इस घर पे राज करने के। ख्वाब? जिस घर में एक पल सांस लेना भी गवारा ना हो, उस घर पे राज करने का तस्वीर भी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? चली जाऊंगी, बहुत जल्द चली जाऊंगी इस घर से। तुम जैसे काले दिल वाले लोगों के बीच में रहने का मुझे भी कोई शौक नहीं। अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मुझे इस बदनामी के दलदल में धकेलने के बाद आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं कैसी हूँ? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आपने छोड़ा ही क्या है करने के लिए? लेकिन उशना, मैं किसने इजाजत दी थी आपको कि आप सबके सामने मेरा नाम लेकर सबको मेरे किरदार पर उंगली उठाने का मौका दें? जब मैंने आपको अपना इनकार साफ साफ बता दिया था तो आपने मेरा नाम सबके सामने क्यों लिया? उशना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और यही बात मैं अपने माँ बाप को भी बता चुका हूँ। नहीं सुफियान, आपने उन्हें नहीं बताया, बल्कि यहाँ मुझे सबकी नजरों में मुजरिम ठहरा दिया आपने। देखो उशना, सब ठीक हो जाएगा। मैंने घर सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ा। घर छोड़कर आपने खुद को नहीं बल्कि मुझे यहाँ सबकी नजरों में मुजरिम बना दिया। मैं सब ठीक कर दूँगा। अरे वाह बेटा वाह, या माँ की उंगलियां घिस गई तुम्हें कॉल मिलाते मिलाते। लेकिन मजाल है जो तुमने अपनी माँ की कॉल सुनने की ज़हमत भी की हो, हाँ? और आज यहाँ इस लड़की को फोन पे तसल्लियां दे रहे हो? हेलो हेलो, लो मेरी आवाज सुनते ही फोन काट दिया। ऐसी क्या पट्टियां पढ़ा रही थी तुम मेरे बेटे को? नहीं, मैं उन्हें सब क्या मैं अब बोलने के लिए बाकी रह क्या गया है? बहुत तो झूठ बोल रही हो। क्या क्या हुआ है? क्या हो गया ये तुम मुझसे पूछ रही हो? पूछना है ना तो अपनी इस बेटी से पूछो कि किस तरह से मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है सुफियान से फोन पे बात करते हुए। तुम्हें तो मेरी बात का यकीन नहीं आएगा ना। एक सेकंड, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो ये देखो ये देखो सुफियान का नंबर। अब तो यकीन आ गया ना, वरना तो तुम हमें झूठा समझती हो। भाभी रहने देंगे, और कर भी क्या सकती है। सुफियान को तो फंसा लिया इन लोगों ने बड़े आराम से। शुक्र है हुजैफा को नहीं फंसा पाई, वरना आज सुफियान की जगह हुजैफा को घर से निकाल रही होती है। बताओ मुझे ये भाभी क्या कह रही है? तुम कर रही थी सुफियान से बात? मम्मा उनकी कॉल आई थी, मैंने फोन नहीं किया था। वो तो मैं सुन लिया तुमने अपनी बेटी का एतराफ गुनाह? मम्मा मम्मा प्लीज आप तो मेरा इतबार करें, मैं तो उन्हें समझा रही थी कि उन्होंने जो तुम भी क्या समझाओगी मेरे बेटे को? तुम्हारी पढ़ाई भी पट्टी की वजह से आज वो अपना घर अपने माँ बाप छोड़ के चला गया। जैनब तो मुझे एक बात का जवाब दे दो, किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे? कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो? पता नहीं किसका खून है इसकी रगों में। एक ये छिटाक भर की लड़की मेरे ममता पे हाथ डाल गई, बेटा छीन लिया इसने। हाँ भाभी छोड़िए ना, चलिए आप चलिए मेरे साथ, इनसे तो बात करना ही फजूल है। चलिए अल्लाह करे
अल्लाह करे जिस तरह से मैं सुफियान के लिए तड़प रही हूँ ना, तुम दोनों भी तड़पो। अरे सिसको, अरे भाभी चलिए चलिए छोड़िए, क्या जरूरत थी उसे बात करने की। मम्मा कांटों की छाओ में हो, गुम है राहों में कांटों की छाओ में, सितमगर ये गुर्बत क्या करे, जो तेरा मेरा साथ है मामा ने उष्णा को बात करते हुए पकड़ लिया। कीनी उसे बातें सुना रही होंगी, कितना मजबूर हो कि उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। जी बात कर रही हूँ। जी मैं जी इवेंट प्लानर से बात कर रहा हूँ, आपकी सीवी हमें मिली थी। जी जी मैंने सीवी ड्रॉप की थी। देखिए उष्णा, आपकी सीवी इंटर्नशिप के लिए काबिले गौर है, आप ऑफिस आ सकती हैं, हम आपको इसकी पे भी देंगे। ऑफ कोर्स मैं अभी आती हूँ। थैंक यू, थैंक गॉड इंटर्नशिप पे भी मिलेगी, फौरन तैयार हो जाती हूँ। अभी तक आप तैयार नहीं हुई, रशीदा को कहके भी गया था कि आप तैयार कर दें। रशीदा आई थी, बस मैंने उसको मना कर दिया। मना कर दिया, लेकिन क्यों? आप भूल गई हैं क्या, जोनी ने बर्थडे पार्टी में बुलाया हुआ आपको भी। याद है, कैसे भूल सकती हूँ, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा बेटा जरा जाने का। ये क्या बात है अम्मी, ये मेरी सालगिरह है, मेरी सालगिरह जाने का दिल नहीं कर रहा आपका। अच्छा ठीक है, मैं जोनी को फोन करके कह देता हूँ कि मैं भी नहीं आ रहा। क्या हो गया बेटे, उसने आपके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की, उसका दिल टूट जाएगा, बहुत बैड मैनर्स हैं ये। तो क्या हो गया, अगर आप ही नहीं जा रही तो मैं जाके क्या करूंगा। सिद्ध ना करें शहरोज, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा ना जाने का, आप जाएं। क्यों दिल नहीं चाह रहा आपका, तबीयत तो ठीक है आपकी? Because I'm not feeling well. मुझे लग रहा है कि मैं, मुझे थकन हो रही है और मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, बस नथिंग एल्स। चलें काम करें आप, फिर सो जाएं, मैं रशीदा को बुलाता हूँ, मैं आपके साथ ही बैठ जाऊंगा। क्यों बच्चों जैसी जिद कर रहे हैं बेटा आप, जब मैंने कह दिया नहीं जाना तो आप जाएं। अच्छा आप गुस्सा तो ना करें, मैं चला जाता हूँ। मैं देख रही हूँ आजकल आप मेरी किसी बात को कोई अहमियत नहीं देते हैं। किसी बातें कह रही हैं अम्मी आप, आपकी बात की अहमियत नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? तो मैं बहस क्यों कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ पार्टी है आपके लिए ऑर्गेनाइज हुई है तो आप जाएं। अच्छा ठीक है, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं चला जाता हूँ, बस आप खुश हो जाएं। मैं जाते हुए रशीदा को कह देता हूँ कि आपको कमरे में चाहिए। वो ले जाएगी मुझे, उसे पता है मैं किस वक्त कमरे में जाती हूँ, जाएं प्लीज को। चलें गुस्सा ना करें। खुशी तो मुझे उस दिन होगी शहरोज, जिस दिन आप मेरी फिक्र छोड़ के एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगोगे। चलाओ क्या कर रहे हैं? क्या मसला है, अभी तक काम क्यों नहीं खत्म हुआ, गेस्ट आना शुरू हो गए, कितनी देर है और? मैम वो बस थोड़ा सा रह गया है। ये क्या कर रहे हो, ये बैलून्स लगाने को किसने कहा है?
हटाओ इसे, बहुत बुरे लग रहे हैं, फौरन से। मैम ये आपके थीम के अकॉर्डिंग है, जो आपको चाहिए था। जो भी है इसको हटवाओ, बहुत बुरे लग रहे हैं मुझे, निकालो इसे फौरन, अभी के अभी, फौरन से। We have just 5 minutes. ये बालून्स मुझे दे दो। हेलो। हाय, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। आई एम श्योर दिस इज फॉर मी। ऑब्वियसली। ये कुर्सियां उष्णा बाग। सुनो ये प्लीज वहां रख दो। जी सितम गर ये कुर्बत क्या।